गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ME202 सब्जेक्ट जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें पेल्टन टर्बाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पेल्टन टर्बाइन के लिए वेलोसिटी ट्रायंगल एंड वर्क डन ये किस तरीके से आता है। सबसे पहले हम यहाँ सामने हम देख रहे हैं ये पेल्टन टर्बाइन के लिए वेलोसिटी ट्रायंगल जो है ये बना हुआ है। ये जो दिख रखे ये पेल्टन टर्बाइन के एक बकेट का शेप दिखा रखा है, वन बकेट। इस बकेट के ऊपर जैसे एज वी नो कि पेल्टन टर्बाइन के रनर के चारों तरफ जो है बकेट इस तरह लगी हुई थी, तो वन बकेट जो है वो दिखा रखा है जो कि डबल हेमिस्फेरिकल शेप का होता है और बीच में स्प्लिटर होता है। तो इस टर्बाइन के केस में जो जेट जो आता है, नोजल से जो जेट आता है वो इस बकेट के स्प्लिटर के ऊपर आके स्ट्राइक करता है और वहाँ से जेट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और ये उसके आउटलेट टिप के ऊपर या आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ये सब दिखा रखे। तो ये किस तरीके से है हम देखते हैं। इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल पेल्टन टर्बाइन के केस में सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होता है जो दिखा रखा है, ए टू सी जो स्ट्रेट लाइन जो दिखा रखा है ये लाइन होता है, लाइन के फॉर्म में होता है वेलोसिटी ट्रायंगल एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन। ओनली पेल्टन टर्बाइन की हम बात करें, पेल्टन के केस में यहाँ पे ये दिखा रखे हैं ए पॉइंट से सी पॉइंट, ये टोटल जो है लाइन की लेंथ है उसके बराबर वी वन होता है एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट, तो वेलोसिटी ऑफ जेट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसके कोई भी दो कॉम्पोनेंट जो वी डब्ल्यू वन और वी एफ वन, वाल कंपोनेंट और फ्लो जो कंपोनेंट जो एक्चुअल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी डब्ल्यू वन तो वी वन के बराबर हो जाएगा और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी एफ होता है, वी एफ जो कि यहाँ जैसे शो कर रखा है, वी एफ जो होता है वी एफ वन, वी एफ वन की वैल्यू इसके इसमें जीरो होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टली है इसके दो कॉम्पोनेंट, वर्टिकल में कोई कॉम्पोनेंट नहीं है। ओके, देन ये यू वन शो करे, यू वन है इनलेट पे बकेट स्पीड U1, इसके बारे में U1 U2 के बारे में अभी बताएंगे। U1 U2 जो कि सेम होता है, तो ए बी जो डिस्टेंस होगा वो बकेट स्पीड होगा एट इनलेट। दिस इज VR1, VR1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। यहाँ पे अगर हम देखें जो जेट जो आ रहा है उसका एक्चुअल वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो V1 है, बट यहाँ हम देख रहे हैं जैसे कि टर्बाइन जो है वो रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली, तो बकेट स्पीड भी है कुछ, तो बकेट के रेस्पेक्ट में उस जेट का जो स्पीड है तो उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी लेके चल रहे हैं। वी आर वन जो क्या है, जेट का रिलेटिव वेलोसिटी है, किसके रिलेटिव है, ये बकेट के रिलेटिव है क्योंकि बकेट ऑलरेडी, अगर बकेट जो है फिक्स होता तो उसके इसमें तो वी आर वन जो है वी वन हो जाता, बट यहाँ पे बकेट भी जो है टर्बाइन में रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली तो डेफिनेटली रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम इनलेट पे वी आर वन शो कर रहे हैं। सेम ऐसे जब जेट यहाँ से स्ट्राइक करके जब डिफ्लेक्ट होके इसका आउटलेट टिप पे निकलता है तो ये दिखा रहा है कि जेट ऐसे इस डायरेक्शन में आया और डिफ्लेक्ट होके वापस जो है जिस डायरेक्शन में निकला है, तो जितना जो एंगल बना रहा है तो उसको हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आया, वापस जो निकला है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ओके, आउटलेट पे जो वेलोसिटी ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें अगर देखें तो उसमें कंपोनेंट जो है, यहाँ देखिए आउटलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल इस तरीके से बनता है पेल्टन के केस में, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये जो वेलोसिटी डायरेक्शन में ये है VR2, VR2 है रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट VR2। हम जो इनलेट पे जो है उनको वन क्लचर में हम वन शो कर रहे हैं, आउटलेट पे हम टू शो कर रहे हैं, तो वी आर टू जैसे वी आर वन था ऐसे वी आर टू रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट। वी टू जो है वो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट वी टू। यहाँ पे यू टू जो है वो बकेट स्पीड है यू टू एट आउटलेट, बट पेल्टन टर्बाइन के केस में यू वन और यू टू जो है सेम होता है यू के इक्वलेंट, यानी कि कोई भी कॉमन वैल्यूज होती है यू वन इक्वल टू यू टू होता है। V2 जो है V2
उसके दो कॉम्पोनेंट जो हमने बताया कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी उसके दो कॉम्पोनेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो इसका जो बन रहा है वी टू का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट उसको हम वी डब्ल्यू टू से शो कर रहे हैं। वी डब्ल्यू मीन्स वेलोसिटी ऑफ वर्ल, वी डब्ल्यू मीन्स वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट आउटलेट, और वर्टिकल कॉम्पोनेंट है उसको वी एफ टू से, वी एफ मीन्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ओके, देन वी टू के दो कॉम्पोनेंट वी डब्ल्यू टू हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, वर्टिकल कॉम्पोनेंट वी एफ टू। और ये जो एंगल जो बना रहे हैं उनको हम एंगल जो है हमने ये दिखा रखे हैं कि वी आर टू को एंगल बना रहे हॉरिजॉन्टल के साथ, वी टू भी एंगल बना रहे हैं। तो एंगल ये नोमेनक्लेचर जो अलग अलग बुक में अलग अलग ऑथर जो है अपने अपने अडॉप्ट करते हैं, तो आप कोई दूसरे नोमेनक्लेचर भी आपको देखने को मिल सकते हैं यूजुअली। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है अगर मैंने यहाँ जैसे रिएक्शन टर्बाइन में बात करेंगे फ्रांसिस में अल्फा वन बीटा वन लेंगे इनलेट पे, आउटलेट पे अल्फा टू बीटा टू, यहाँ पे मैंने अल्फा टू बीटा टू लिया है। देन अल्फा टू एंगल होगा जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो बना रहा एंगल वो अल्फा टू, एंड रिलेटिव वेलोसिटी जो एंगल जो बना रहा हॉरिजॉन्टल के साथ में वो बीटा टू। सो अल्फा टू, दिस इज अल्फा टू एंड दिस इज बीटा टू। तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल पेल्टन टर्बाइन का इस तरीके से बनेगा। अगर ये अल्फा टू एंगल जो है यानी कि बीटा टू जो वी टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट वी टू हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो वेलोसिटी ट्रायंगल एट आउटलेट कुछ इस तरह बनेगा। अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल होगा तो उस केस में ये कुछ इस तरह ये ट्रायंगल जो है शिफ्ट हो जाएगा, वो इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, वो एंगल जो है यहाँ आ जाएगा। ओके, देन इस तरह के, तो ये एक्यूट के लिए ये जो है डायग्राम जो है बनाया है। तो पेल्टन टर्बाइन का वेलोसिटी ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। वेलोसिटी ट्रायंगल के भी अगर पेल्टन के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह आती हैं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी ट्रायंगल, उसी के बेसिस पे हम जो है प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी। इसके बाद वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ अगर हम देखें, देन फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स एग्जर्टेड यानी कि जेट जो है रनर यानी कि बकेट के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है उसको हम मोमेंटम जो इक्वेशन है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमें पता है कि किसी भी बॉडी पे फोर्स एग्जर्टेड जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, तो वहीं से मोमेंटम इक्वेशन को काम में लेते हुए हमने ये जो है फॉर्मूला जो है ये निकाला है। फोर्स का इस तरह का आता है कि फोर्स एग्जर्टेड एफ एक्स इज इक्वल टू इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट है लिख भी रखे इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, रो ए वी वन, रो ए वी वन ब्रैकेट में वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से वहाँ से निकल के आता है ये फॉर्मूला जो है फोर्स का। तो फोर्स एग्जर्टेड रो ए, रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी जो भी फ्लूड जो है यहाँ आ रहा है, ए इज द एरिया ऑफ जेट, जेट जो जहाँ से निकल रहा है उसका एरिया, वी वन इज द इनलेट वेलोसिटी ऑफ जेट, इनलेट पे जो है वेलोसिटी जो है यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है वो है, वी डब्ल्यू वन, वी डब्ल्यू वन हम बात कर चुके हैं वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट इनलेट, प्लस में वी डब्ल्यू टू वेलोसिटी ऑफ वर्ल एट आउटलेट, ये वी डब्ल्यू वन है ये वी डब्ल्यू टू, वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू दिस इज वी। तो यहाँ से फोर्स एग्जर्टेड का जो है फॉर्मूला आता है। इसके बाद में वर्क डन बाय द जेट ऑन द रनर पर सेकेंड, वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, बट यहाँ पे वर्क डन ऑन द रनर पर सेकेंड, अगर पर सेकेंड हम कैलकुलेट करना चाहिए क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस नहीं बट हमारे पास में बकेट वेलोसिटी है, सो हम फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो वर्क डन पर सेकेंड आ जाएगा। सेम हमने वही किया है कि वर्क डन पर सेकेंड के लिए हमने फोर्स एफ एक्स जो हमने कैलकुलेट किया फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हम कौन सी लेंगे ये ध्यान रखना क्योंकि फोर्स जो जेट जो गिर रही है बकेट के ऊपर जाके गिर रहा है, बकेट के ऊपर वो जो है फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, बकेट में मोशन हो रहा है तो बकेट की यहाँ पे वेलोसिटी आएगी। ओके, तो फोर्स एग्जर्टेड इनटू वेलोसिटी, फोर्स एग्जर्टेड का फॉर्मूला हमने ये देखा रो ए वी वन इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। तो यहाँ से ये वर्क डन का फॉर्मूला जो है ये हम काम में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह आती है तो ये फॉर्मूला जो है काम लिया जाएगा वर्क डन के लिए, बट ये वर्क डन पर सेकेंड है ये चीज़ का ध्यान है। नेक्स्ट जो है अगर वर्क डन पर सेकेंड एंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, अगर इस तरीके से अगर पूछा जाए ये वर्क डन पर सेकेंड था सिंपली, बट यहाँ पे वर्क डन पर सेकेंड किसके रिस्पेक्ट में पूछा है कि वाटर जो स्ट्राइक कर रहा है उसका पर यूनिट वेट पर सेकेंड, अगर इस तरीके से पूछा जाए वो चीज़ अगर निकालनी हो तो
तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन पर सेकेंड अपॉन में वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। इन दोनों का जो है रेशियो निकल के आएगा, तब जाके ये जो लैंग्वेज ये बोल रहा है वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। अगर इस तरीके से पूछा जाए तो इन दोनों का रेशियो, तो वर्क डन पर सेकेंड हम देख चुके हैं ये वाला फॉर्मूला हमने निकाला, ये वाला फॉर्म नीचे। वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड कितना है, वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग कहाँ पे स्ट्राइकिंग, वाटर जो यानी कि जो जेट से जो वाटर आ रहा है वो बकेट के ऊपर जाके जो स्ट्राइक कर रहा है, तो पर सेकेंड जो स्ट्राइक कर रहा है उसका वेट क्या है, उसको उस वेट से हमें डिवाइड करना है। तो उसका फॉर्मूला जो है ये आ जाएगा रो ए वी वन इंटू जी, क्योंकि वेट हमें पता है वेट क्या होता है, वेट सिंपली मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू लेसिंग, ये रो ए वी वन जो है ये है मास पर यूनिट टाइम, रो ए वी वन जो है फॉर्मूला है मास पर यूनिट टाइम इंटू जी, यानी कि एम जी है बट यहाँ पे मास जो है मास पर यूनिट है, मास पर सेकेंड है, इसलिए सिंपली जो यहाँ से जो वेट निकला वो वेट नहीं वेट पर सेकेंड आएगा, जो कि ये फॉर्मूले में जो दिया है कि वेट पर सेकेंड, तो रो ए वी वन इंटू जी से है। इन दोनों का रेशियो तो यहाँ से रो ए वी वन से रो ए वी वन कैंसिल आउट हो गया और फॉर्मूला जो बचा वो बचा वन अपॉन जी इंटू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। तो ये फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस तरह का आता है कि वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड अगर पूछा है तो हमें ये फॉर्मूला काम है। अगर ध्यान नहीं भी रहे तो वर्क डन पर सेकेंड अपॉन में वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड दोनों का जो है रेशियो निकाल के ये फॉर्मूला जो है आ जाएगा। ओके, एक चीज और कि जो पेल्टन टर्बाइन के केस में जेट जो निकल कर आ रही है नोजल से उसके अंदर जो एनर्जी है ओनली वो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आगे जो है एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में आएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकंड, यहाँ पे भी हम जो है पर सेकंड काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें सिंपली पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखें हाफ वन अपॉन टू एम, एम यहाँ पे मास की जगह मास पर सेकेंड है, रो ए वी वन जो हम फॉर्मूले में देख रहे हैं ये रो ए वी वन जो है ये मास पर सेकेंड है इंटू वी वन स्क्वायर। यहाँ पे इनलेट पे जो वेलोसिटी है यानी कि जेट की जो वेलोसिटी है वो वी वन है, तो वी वन का स्क्वायर, तो हाफ रो ए वी वन इंटू वी वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे मास पर सेकेंड है पर यूनिट टाइम ले रखा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड आएगी। तो इस फॉर्मूले से हम जो है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से इनको एफिशिएंसी कैलकुलेट करने में काम में लिया जाता है। थैंक यू।